नमस्कार दोस्तों, D5 चैनल हिंदी देख रहे सभी दर्शकों का मैं धर्मेंद्र संधू स्वागत करता हूं। त्रिदेवों में भगवान ब्रह्मा, भगवान श्री विष्णु और भगवान श्री महेश में से भगवान श्री विष्णु और देवों के देव महादेव ने इस धरती पर अवतार धारण कर दुष्ट प्रवृत्ति के लोगों का संहार कर धर्म की स्थापना की। इनके वंशज आज भी धरती पर मौजूद हैं। इसके अलावा भी त्रिदेवों की संतान का पुराणों में उल्लेख मिलता है। आइए आज आपको त्रिदेव की संतान के बारे में विस्तार से जानकारी प्रदान करते हैं। भगवान ब्रह्मा की संतान। भगवान श्री ब्रह्मा के पुत्रों की संख्या के बारे में पुराणों में सही ढंग से कोई भी जानकारी नहीं है। भगवान ब्रह्मा की एक नहीं तीन पत्नियों सावित्री, गायत्री और सरस्वती का उल्लेख मिलता है। वहीं भगवान ब्रह्मा जी के इन मानस पुत्रों की चर्चा ही अधिक होती है। ये पुत्र मारीचि, अत्रि, गिरस, पुलसत्य, पुलहा, भृगु, वशिष्ठ, दक्ष, कंधर्व, नारद और इच्छा से सनक, सनंदन, सनातन और सनत कुमार, स्वयंभू मनु और शत्रुपा चित्रगुप्त के नाम से जाने जाते हैं। इसके अलावा विश्वकर्मा, धर्म, अलक्ष्मी, आठ वसु, चार कुमार, मनु, रुद्र, अरनी, अंगिरा, रुचि, दक्ष, करदम, पंचशिखा, वोढ़ु, वशिष्ठ, प्रचेता, हंस, यति को भगवान श्री ब्रह्मा जी की ही संतान कहा जाता है। भगवान श्री ब्रह्मा जी के इन पुत्रों के वंशज आज भी भारत में निवास करते हैं। मारीचि, अत्रि, अंगिरा, पुलहा, कृतु, पुलसत्य तथा वशिष्ठ इन सात पुत्रों के वंशज उत्तर दिशा में मौजूद हैं। भगवान श्री विष्णु के पुत्र। माना जाता है कि भगवान श्री विष्णु के विभिन्न अप्सराओं से 100 पुत्रों ने जन्म लिया। काम के देवता कामदेव को भगवान श्री विष्णु जी का ही पुत्र माना जाता है। भगवान श्री विष्णु की पत्नी माता लक्ष्मी से प्रमुख रूप से 4 पुत्रों आनंद, करदम, शीर्द, चिकलित ने अवतार लिया। इसके अलावा भगवती लक्ष्मी के 18 पुत्र वर्ग भी माने गए हैं, जिनमें देव सखाए, चिकलताय, आनंदाय, करदमाय, श्रीप्रदाय, जातवेदाय, अनुरागाय, संवादाय, विजाय, वल्लभाय, मदाय, हर्षाय, बलाय, तेजसे, दमकाय, सलिलाय, गुगलाय, करुटकाय प्रमुख हैं। भगवान शिव के पुत्र। देवों के देव भगवान शिव के पुत्रों में प्रमुख रूप से सिद्धि विनायक श्री गणेश और भगवान कार्तिकेय का नाम ही लिया जाता है, जबकि राम भक्त श्री हनुमान, जलंधर, सुकेश, अयप्पा स्वामी को भी भगवान शिव के पुत्र कहा जाता है। हनुमान जी को शंकर सुमन भी कहा जाता है। इन्हें भगवान शिव का अंशावतार भी कहते हैं। दक्षिण भारत में अयप्पा स्वामी को भी भगवान शिव शंकर का पुत्र माना जाता है। भगवान अयप्पा के पिता भगवान शिव और माता मोहिनी है। भगवान श्री विष्णु के मोहिनी रूप को देखकर भगवान शिव का वीर्यपात हो गया था। उनके वीर्य को पाद कहा गया। भगवान शिव के वीर्य से एक पुत्र का जन्म हुआ, जिन्हें दक्षिण भारत में अयप्पा स्वामी कहकर पूजा जाता है। भगवान शिव और भगवान विष्णु के रूप मोहिनी से उत्पन्न होने के कारण इन्हें हरिहर पुत्र भी कहा जाता है। इसके अलावा भूमि पुत्र मंगल को भी देवों के देव भगवान शिव का पुत्र माना जाता है। इन्हें भूमा कहा जाता है। एक समय जब कैलाश पर्वत पर भगवान शिव समाधि में बैठे थे, उस समय उनके माथे से पसीने की 3 बूंदें धरती पर गिरी। इन बूंदों से धरती ने एक सुंदर और प्यारे बालक को जन्म दिया, जिसकी 4 भुजाएं थी। धरती माता ने अपने पुत्र का पालन पोषण किया। भूमि का पुत्र होने के कारण ही इन्हें भौम कहा जाता है। बड़ा होने पर भूमा काशी पहुंचा। वहां पर उसने भगवान शिव की कड़ी तपस्या की। तब भगवान शिव ने प्रसन्न होकर उसे मंगल लोक प्रदान किया। देवों के देव महादेव भगवान शिव की पहली पत्नी सती, दूसरी पार्वती, तीसरी काली और चौथी उमा देवी थी। सती ने यज्ञ में आत्मदाह किया था। माता पार्वती से भगवान कार्तिकेय का जन्म हुआ। भगवान श्री गणेश की उत्पत्ति माता पार्वती जी ने ही की थी, जबकि सुकेश नाम के एक नवजात को उन्होंने गोद लिया था। सुकेश ने गंधर्व कन्या देववती से विवाह किया। देववती से सुकेश के 3 पुत्रों माल्यवान, सुमाली और माली ने जन्म लिया था। इन तीनों के कारण राक्षस जाति को विस्तार और प्रसिद्धि प्राप्त हुई। भगवान शिव का 4th पुत्र जलंधर था। जलंधर भी भगवान शिव का ही अंश था। सो दोस्तों, यह थी त्रिदेवों के पुत्रों से जुड़ी जानकारी। ऐसी जानकारी लेकर फिर हाजिर होंगे। जुड़े रहिए D5 चैनल हिंदी के साथ।